नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुलदीप दुबे। आज दो दिन चुनाव से दो दिन पहले हम इटावा के जो व्यापारी हैं उनके बीच आए हैं और उनसे बातचीत करने आए हैं कि उनको किसका सपोर्ट होगा और किसकी 2019 में कौन दिल्ली गद्दी पर बैठेगा। 2019 बड़ा चुनाव जनता के बीच जो आया है, बड़ा सफलता की घड़ी लेके आएगा, क्योंकि भाजपा ने भी अच्छा अपना स्कोर बनाया, सब कुछ किया है। लहर थी, मोदी की लहर थी, आज भी उनकी लहर है, लेकिन वो नहीं है क्योंकि गठबंधन ने इस लहर से कुछ फ़र्क पड़ा है। जो 2019 में गठबंधन जो किया गया है अखिलेश जी और मायावती जी के बीच में, इस गठबंधन से काफ़ी फ़र्क आएगा। अच्छा, ये बताइए, गठबंधन से आपने कहा काफ़ी फ़र्क आएगा, 2014 में मायावती का खाता नहीं खुला था, इस बार क्या कमाल होगा अखिलेश यादव के साथ? अखिलेश यादव की भी 5 सीटें आई थी जो आप जानते हैं परिवार की थी। क्या लगता है आपको, क्या होगा गठबंधन से फायदा? नेताजी के परिवार की 5 सीटें तो पहले से थी और मायावती जी शून्य पर थी, उनका एक भी सीट नहीं, तो इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा मायावती का ही फायदा मिला है और उन्होंने जितनी भी सीटें दी हैं वो जीतने के योग्य दी हैं, और ऐसी कोई सीट अखिलेश जी ने सारी उनके लिए काफ़ी योगदान दिया है। और सबसे ज़्यादा फायदा अगर मिलता है तो मायावती को ही मिलता है, क्योंकि मायावती बिल्कुल शून्य पे थी और इनकी राजनीति ख़त्म हो रही थी, उनको फिर जिंदा कर दिया गया है। ये तो कहना मुश्किल है कि कौन आगे आएगा, लेकिन दोनों ही मैदान में हैं, दोनों की ही लड़ाई है और अच्छी खासी उन दोनों में ऐसा नहीं है कि मतलब प्रसपा भी मजबूत है और गठबंधन भी मजबूत है। जहाँ तक है गठबंधन का बड़ा साइलेंट वोट है, तो ऐसा नहीं है, वो भी मजबूत है और प्रसपा वाले जो है वो भी मजबूत है। क्या मुद्दा है इस बार 2019 में, क्या मुद्दे को लेकर वोटिंग करोगे? देखो, सबसे पहले जो क्या माननीय प्रधानमंत्री ने डबल की बात की थी, जो फसल 1.5 गुनी करनी है, उस चीज़ को आज तक NSP लागू नहीं हो पाया है, जिसमें किसान को जो लाभ मिल रहा था वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कई बार पेश किया गया कि जिससे किसान का समर्थन मूल्य 1800 रुपये वाला है वो 2500 रुपये मूल हो, वो अभी तक मूल नहीं हो पाया। लेकिन किसान बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिसमें योगी जी ने भी किसान का ऋण माफ़ किया है और किसान को बेरोजगारी से लेकर जो कर्ज थे वो माफ़ किए गए हैं और गैस सिलेंडर की सब्सिडी दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात यह है, जो आर्थिक स्थिति में पूरे विश्व को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मजबूत किया है वो शायद कोई कर नहीं सकता है। क्या काम करते हो? हम सब दूध का व्यापार करते हैं और अपना दूध से व्यापार से किस नहीं से जुड़े हुए, अपनी खेती बाती का भी काम करते हैं। घर में शौचालय वगैरह मिला? जी सर, इतनी बड़ी जनसंख्या में आज तक जब से देश सन 47 से आज़ाद हुआ है, आज तक इतनी बड़ी जनसंख्या में कभी शौचालय नहीं बने है। हर गांव, कस्बा, शहर शौचालय मुक्त, मतलब हर गांव में गली में शौचालय बने हुए हैं। अच्छा, आप गांव के हो? हाँ सर, मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं और शहर से भी बिलोंग करता हूं। आपके गांव में किसी को मकान मिला? जी सर, मकान भी मिले हैं और क्या शौचालय मिले हैं और जो भी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं उनका सबको लाभ मिला है। सारे लाभ मिले जी। और क्या कहना चाहोगे, वोटिंग किस मुद्दे पर करोगे इस बार? देखो, सबसे बड़ी बात ये, हमारी नौ जो सेना है, जवान है, वो आज सुरक्षित है। आज जो देश की पूरी आज जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में जाते हैं और जो उनका सर उठा के सम्मान किया जाता पूरे देश में, वो शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हो पाया। इसलिए हम तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 19 में नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करे और जो किसान बेरोजगार नौजवान हैं उनको एक बार फिर रोज़गार मिल सके। अच्छा, राहुल गांधी 72,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, वो तो ले लो, उनको नहीं चाहिए? देखिए सर, राहुल गांधी 72,000 रुपये की बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन किसान का 72,000 से जीवन नहीं कट जाएगा, पहले शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए। आज राहुल गांधी भी मजबूती से आए और विपक्ष तो संगठन दोनों मजबूत अगर होगी तो वो दोनों बहुत अच्छा होगा। जी, 5 साल मोदी सरकार देखी, उन्होंने क्या विकास किया? मोदी जी ने विकास किया है ऐसा नहीं है, मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी रही, जो अपने भारतीय मूल अमेरिका में काफ़ी लोग रहते हैं उन लोगों से जब वार्ता होती है तो लगता है कि हम किसी देश के निवासी हैं,
भारतवर्ष की एक पहचान विश्व में उस व्यक्ति ने बनाई है, ये हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। ये तो ईश्वर के गर्भ में है। कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन देश की जनता को तो विकास चाहिए। विकास अच्छा, हमारा कैसे? 2014 में मोदी की आंधी थी, उस आंधी के आगे मायावती फेल हो गई थी, मुलायम सिंह यादव की जो परिवार की सीटें थी 5 वही जीत पाए थे। क्या लगता है 2019 में क्या कमाल हो पाएगा? ऐसा लहर अब वो लहर नहीं है। क्या लगता है कौन ऐसी सरकार है, अगर पाँच साल में अगर सरकार बदलेगी तो क्या विकास होगा? और 60 साल आपने कांग्रेस को दिए, क्या लगता है 10 साल 15 साल मोदी को देने चाहिए क्या? एक्चुअल में सर 5 वर्षों में तो केवल ढांचा बन पाया। अगर आप ये पूछते हैं कि उसको समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो 5 वर्ष और देने चाहिए इसलिए। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष भी इतना मजबूत होना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों पर नज़र रख सके, और जो उनकी जैसे उन्होंने हमने तो अभी सरकारी आंकड़े पढ़े, एक हवाई यात्रा पर बहुत खर्च होता है, बेरोजगारी पर कोई लगाम नहीं लगी, सरकारी नौकरियां युवक बेरोजगार हैं, विदेशों में पलायन कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने शिक्षित लोगों को विदेश जाने से पलायन से रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा हमारे काम आए और हिंदुस्तान में उसका लाभ मिले। ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि देश में जो भी सरकार बने उसके साथ साथ देश का विपक्ष भी इतना मजबूत हो कि वो अपनी बात कहने में सक्षम रहे। राहुल गांधी 72,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है उनका ये जो एक चुनावी फार्मूला है ये काम आएगा? ये तो मूर्खों जैसी बातें हैं, किसी निठल्ले को बेरोजगार को 72,000 देना कोई औचित्यपूर्ण निर्णय नहीं है, और ये चुनावी जुमले हैं, इस तरीके के जुमले उन्हें देना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी हकीकत देखी नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। ये तो बहुत ख़राब बात है, उनका ये स्टेटमेंट किसी समझदार आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी निठल्ले को ज़रूर अच्छा लगेगा कि ठीक है अपने बगैर खाए पिए 72,000 मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके कि वो प्रधानमंत्री पद के लायक हो, दावेदार? माननीय मुलायम सिंह जी अब तो वृद्ध हो चुके हैं, मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि उनको अच्छे स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। तो उस व्यक्तित्व में ये क्षमता थी कि वो देखते कि एक बार देश कैसे चलता है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं रहा, जो उन्होंने कह दिया वो किया है, उस वादे को निभाया है। उस समय का रक्षा मंत्री रहे थे, उन्होंने अच्छे बयान दिए थे, हमको भी याद है। आज उनकी शहीदों की जो बॉडी आती थी, पहले घर नहीं आती थी, आज नेताजी मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे, उनकी वजह से लोगों के शहीदों को घर पे आ रहा बॉडी घर पे भी आती। तो नेताजी कथनी और करनी में हमेशा सत रहा है, बाकी जनता के हाथ में है। एक बार चाहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। ट्रेटरी ने हमारी फौज इंडिया की फौज ने नेताजी की बड़ी तारीफ की है, प्रशंसा की है कि उन्होंने जवानों को जो ख़त्म हो जाते हैं उनको यहाँ लाए, हर घर में पहुँचाया और उनका सम्मान दिलवाया। ये नेताजी की गवर्नमेंट में रहा है और नेताजी सफलतम रक्षा मंत्री रहे और निर्विवादित रहे। सुखोई विमान उनके रक्षा सौदा हुआ जब वो रक्षा मंत्री थे, तो आज तक निर्विवादित रहे और सुखोई विमान में आज तक किसी प्रकार की बात नहीं रही। जबकि राहुल गांधी राजीव गांधी के टाइम पे एक मामला आया, उसमें वीपी सिंह ने मामला उठाया था और मिस्टर ये मोदी जी आए, इनमें भी मामला आया, विवादित रहा, लेकिन सिर्फ एक रक्षा मंत्री हमारे मुलायम सिंह जी रहे जिसमें कोई विवादित नहीं रहा, रक्षा सौदा हुआ और उसमें सुखोई विमान जो भारत का सबसे लड़ाकू अच्छा विमान है आज भी भारत में सफल है। बढ़िया काम किया, बताइए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि देश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत बने, बार बार चुनावी खर्चा इस भारतवर्ष की जनता को न झेलना पड़े। ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि अच्छे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री और एक अच्छा विपक्ष मिले, मजबूत विपक्ष मिले। जो मोदी जी कह रहे मैं चौकीदार हूँ देश का, जब अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे पे जो फाइल के बारे में पूछा था
तो रक्षा मंत्रालय ने ये कहा था कि वो फाइल चोरी हो गए। जब सरकार उनकी है और जब वो राफेल की फाइल चोरी रक्षा मंत्रालय से हो सकती है तो वो देश को कैसे बचाएंगे, कैसे चौकीदार हैं देश के? तो कौन बचा सकता है, कौन बचाएगा देश को? अगर मोदी नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा आपकी नज़र? और मेरा तो मानना ये है कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए जी। और रही बात यूपी की, तो मैं यहाँ गठबंधन के साथ हूँ। अच्छा, कांग्रेस को आपने कहा मौका मिलना चाहिए, 60 सालों में कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, क्या उन्होंने काम बढ़िया किया, क्या आपको लगता है? उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया है। जो मोदी जी जो 6,000 रुपये की बात कर रहे हैं कि हम 6,000 रुपये पर ईयर देंगे किसान को, तो सब अगर वो 6,000 रुपये देंगे तो सब ठीक है। और राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि हम 72,000 रुपये हर गरीब को देंगे, तो इसमें तो किसान भी आ रहा है, टैक्सी वाला भी आ रहा है, बिजनेसमैन भी आ रहा है, हर तबके का जो गरीब व्यक्ति है हर व्यक्ति आ रहा है इसमें। और जो मोदी जी 6,000 रुपये देंगे वो सिर्फ किसान के लिए, किसान को ही तो देंगे। और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर मोदी जी कहें कि हम बांस पे उल्टे पैर चढ़ जाएंगे तो वो ठीक है, और राहुल गांधी ने अगर 72,000 के लिए कह दिया तो वो कैसे लाएंगे? अच्छा, आपको लगता है दे सकती है 72,000 दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? गठबंधन कैसा लगता है, कुछ दिखाएगा कमाल? मायावती का तो खाता नहीं खुला था 2014 में। अब की बार दोनों पार्टी सपा और बसपा साथ हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी सीटें आएंगी। मेरे हिसाब से दोनों गठ को मिला के गठबंधन को कम से कम 60 सीट मिलना चाहिए।